आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट वाइट सॉस पास्ता। पास्ता तो घर पर सभी लोग बनाते हैं, पर कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि पास्ता ज़्यादा कुक हो जाता है, सॉस ठीक से कुक नहीं रहती है, या फिर सॉस की क्वांटिटी कम पड़ जाती है और पास्ता ठीक से सॉस से कोटेड नहीं रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लीना। स्वागत है आपका मेरे चैनल लीनास कुक बुक में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको व्हाइट सॉस पास्ता की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी, जिससे आप रेस्टोरेंट जैसा पास्ता घर पर बना पाएंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप पेने पास्ता। मैं यहाँ 250 ml वाला मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को उबालेंगे। एक बड़े बर्तन में हम करीब 3 से 4 कप पानी उबालने रखेंगे। जितना पास्ता हम ले रहे हैं उसका 3 से 4 गुना पानी लेना है। पानी जब उबलने लगे तो उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 3 से 4 बूंदें तेल की। तेल हमें 3 से 4 बूंद ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल डाल देंगे तो पास्ता के ऊपर तेल की लेयर बन जाएगी और पास्ता सॉस से ठीक से कोट नहीं हो पाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। पास्ता को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पास्ता को बीच बीच में घुमाते रहेंगे। हमें पास्ता को पूरा कुक नहीं करना है, पास्ता में थोड़ा बाइट होना चाहिए। हमें इसे करीब 80% पकाना है। पास्ता मशीन ही होना चाहिए। ज़्यादातर पास्ता के पैकेट पर कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि पास्ता को कितनी देर पकाना है, तो पास्ता को बॉईल करते टाइम उसके पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं उसे चेक कर लें। पैने पास्ता को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो बॉईल करने के बाद वो फ्लैट हो जाएगा। पास्ता को हम करीब 8 मिनट तक उबालेंगे। पास्ता को उबलते हुए अब करीब 8 मिनट हो चुके हैं। पास्ता को चेक करते हैं कि वो कुक हुआ है कि नहीं। पास्ता को काट कर देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम से नहीं कट रहा है, इसका मतलब पास्ता 80% कुक हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और पास्ता को छान लेंगे और फिर पास्ता को ठंडे पानी से धो लेंगे। ऐसा करने से उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और पास्ता और नहीं पकेगा, और पानी से धोने से उसका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है और पास्ता अलग अलग बनेगा। इस बॉयल पास्ता को हम अलग रख देंगे। अब हम 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम करेंगे। अब इसके जगह ऑलिव ऑयल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 कली लहसुन की बारीक कटी हुई। लहसुन को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब कुछ सेकंड्स हो चुके हैं, लहसुन थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा प्याज ऐसे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी गाजर छोटे टुकड़ों में कटी हुई। प्याज और गाजर को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लें। सब्जियों को हमें यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना है और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। मुझे प्याज और गाजर को पकाते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है। गाजर और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें बाकी सब्जियाँ डाल देंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रोज़न स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को पहले डीप फ्रॉस्ट कर लें और फिर इसे इसमें डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा शिमला मिर्च ऐसे टुकड़ों में कटा हुआ। शिमला मिर्च को डालकर उतना ही पकाना है कि शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, उन्हें पूरा नहीं पकाना है। मैंने सब्जियों को करीब 2.5 से 3 मिनट पकाया है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम अपनी वाइट सॉस बनाएंगे। पैन को लो फ्लेम पर गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून बटर। बटर को मेल्ट करेंगे पर उसे ब्राउन नहीं होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून मैदा। यानी हमने जितना बटर लिया था उतना ही मैदा लेना है। मैदे को लो फ्लेम पर लगातार घुमाते हुए भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए।
अच्छा वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए अच्छी सॉस बनाना बहुत ज़रूरी है। सॉस न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए न ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। मैदा अच्छे से भुन चुका है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गैस को बंद कर देंगे, मैदे को एक दो बार और घुमाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है। ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी सॉस में लम्स पड़ जाते हैं। गैस को बंद करने के बाद मैदे में आप धीरे धीरे करके 1.5 कप दूध डालें। मैंने यहाँ 1.5 मेजरिंग कप दूध लिया है, ये करीब 375 ml दूध है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसे विस्क से लगातार चलाते रहें। ये देखिए मैंने पूरा दूध डाल दिया है और उसमें थोड़े भी लम्स या गुठली नहीं हैं। अब गैस को चालू कर देंगे और वाइट सॉस को फिर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे ही वाइट सॉस बॉयल होने लगे तो गैस को लो पक कर देंगे और सॉस को थिक होने तक पकाएंगे। ये पता करने के लिए सॉस ठीक से पकी है या नहीं या उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं, इसको स्पून के बैक साइड पर लेंगे और उंगली से ऐसे लाइन बनाएंगे। अगर लाइन स्टेबल है और बिगड़ नहीं रही है, इसका मतलब सॉस एकदम परफेक्टली कुक्ड है और उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसमें हम करीब डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स की जगह इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सबको अच्छे से सॉस में मिक्स करेंगे और अब इस वाइट सॉस में हम डालेंगे कुक्ड पास्ता और सौते की हुई सब्जियाँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच यानी 3 से 4 टेबलस्पून ग्रेटेड प्रोसेस चीज़। आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबको हमें 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है वरना आपका पास्ता ज़्यादा पक जाएगा और टूट जाएगा। इस समय अगर आपको लगे आपकी सॉस ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। अब करीब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है, पास्ता सॉस से अच्छे से कोट हो गया है। पास्ता को हम गार्निश करते हैं थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए गार्लिक ब्रेड के साथ और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।